आज हम बनाने वाले हैं टेस्टी रमजान स्पेशल चिकन बटरफ्लाई, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाले हैं। इसलिए हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो व्यूअर्स, आपका स्वागत है शमा फूड किचन में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रमजान स्पेशल चिकन बटरफ्लाई। तो उसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिया है चिकन, उसको हमने अच्छी तरह से धो लिया है। ये हमने 200 ग्राम चिकन लिया है और ये हमने एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है, दो चम्मच कॉर्नफ्लावर पाउडर ले लिया है, ये हमने विनेगर एंड डार्क सोया सॉस ली है, और ये हमने दो आलू ले लिए हैं, और ये हैं कुछ मसाले, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, तिहाई चम्मच ब्लैक पेपर एंड तिहाई चम्मच काला नमक। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं चिकन बटरफ्लाई। चिकन के बड़े पीसेस थे इसलिए हम इनको इस तरह से छोटा कर लेंगे। हम सबसे पहले चिकन में डालेंगे एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इसमें ये सारे मसाले डाल देंगे। अब हम इसमें दो चम्मच विनेगर डालेंगे। एक चम्मच डार्क सोया सॉस डालेंगे। अब हम इसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे, दो चम्मच कॉर्नफ्लावर पाउडर डालेंगे, एक पिंच फूड कलर डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट होने को रख देंगे, जब तक हम अपने आलूओं को छील लेंगे। तो सबसे पहले हम आलूओं को इस तरह से छील लेंगे, इसी तरह से दोनों आलू को छील लेंगे। ये देखिए, अब हमारे दोनों आलू छील चुके हैं, तो अब हम इनको कट कर लेंगे। जिस तरह हम वेफर कट करते हैं उसी तरह इनको काटना है, इस तरह से। देखिए, अब हमने आलू को इस तरह से कट कर लिया है और हमारा चिकन भी रेस्ट हो चुका है। इस तरह से आप इन्हें इफ्तार में बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। सिर्फ आपको मसालों में कोट कर चिकन को रखना है 10 मिनट के लिए, और 5 मिनट में आपको अपने आलू काट लेने हैं और बस इनको फ्राई करना है, और आपकी इफ्तारी बहुत ही जल्दी बन जाएगी। तो इसलिए आप हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अब हम सबसे पहले आलूओं पे नमक छिड़केंगे थोड़ा, इससे हमारे आलू बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो अब हम इनकी बटरफ्लाई बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक आलू ले लेंगे और अब हम इसके बीच में चिकन का पीस रख देंगे, और अब आलू को इस तरह से मोड़ लेंगे और इनमें स्टिक इसे लगा देंगे, और इसी तरह से सारे आलू और चिकन के पीसेस की बटरफ्लाई बना लेंगे। और अब हम इसी तरह से इनकी बटरफ्लाई बनाते जाएंगे। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी रेसिपी को जरूर ट्राई करें। ये देखिए, अब हमारे 200 ग्राम चिकन में ये देखिए कितनी सारी बटरफ्लाइज बनकर तैयार हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। अब हम सबसे पहले एक कढ़ाई में ऑयल को डाल देंगे। अब हम ऑयल को गर्म होने देंगे। अब हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें अपनी चिकन बटरफ्लाई को फ्राई कर लेंगे। अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे इनको। अब हम इनको थोड़ा अल्टी पल्टी कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से हमारे आलू के स्लाइस भी बहुत ही क्रिस्पी हो जाएंगे और हमारा चिकन भी अच्छी तरह से गल जाएगा। ये देखिए, अब हमारे क्रिस्पी
देखिए अब हमारे क्रिस्पी से चिकन बटरफ्लाई बिल्कुल तैयार है। अब हम इनको एक ट्रे में निकाल लेंगे। अब हम बचे हुए बटरफ्लाई को भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए अब हमारे ये वाले बटरफ्लाई भी तैयार हो चुके हैं, तो अब हम इनको भी एक ट्रे में निकाल लेंगे। ये देखिए अब हमारे चिकन बटरफ्लाई बन चुके हैं और ये देखिए कितने क्रिस्पी हैं। ये देखिए आप इन्हें मेयोनेज़ या शेजवान चटनी के साथ खा सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।